बेटा वाले साहब को भी साथ ले आते, उनसे भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता। ठीक कह रहे हैं अंकल आप, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा गांव में होते हैं, जमीनों के मसलों में इतने उलझे रहते हैं कि उनको आने का टाइम ही नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ठीक है बेटा, मसरूफ तो हर आदमी होता है अपने अपने मामलात में, लेकिन ऐसे मौके पर तो मिलना जरूरी होता है ना, ये बातें तो बड़े ही तय किया करते। देखिए वो कह तो रहा है कि मसरूफ हैं वो। कमाल करती हैं आप भी, ऐसे मामलात में वालदेन से मिले बगैर। अंकल आप फिक्र नहीं करें, आप जब कहेंगे मैं उनको बुला के ले आऊंगा, और अगर नहीं आएंगे तो मैं खुद जाके ले आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हे आशीष, तुम यहाँ कैसे? How are you? I'm good. तुम एक दूसरे को जानते हो? जी, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। डैडी आशिर है हमारे बिजनेस पार्टनर, एसएसके वाली डील की हमने इनसे अभी। बताया तो था आपको। बैठो ना, बैठो। Have a seat. Good to see you here. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आशिर हमारी बेटी का लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है। रियली? ये तो बहुत अच्छी खबर है। कामरान बेटा, ऐसे मामलात में फैसले जल्दबाजी में नहीं सुनाए जाते, ऐसे रिश्तों के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। अब इस बारे में क्या सोचना? अब तो तुम्हारा, मैंने कहा ना। आंटी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंकल आपको जितना टाइम चाहिए आप ले सकते हैं, फिर आपका जो भी फैसला होगा। That's good. सुमेरा, फैसला पे खाना लगवा ले। और वो आयला कहाँ है भाई, उसे तो बुलवाए। करूं अगर रिश्ते की बात है तो अंकल मुझसे जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं आशिर के सामने कैसे जाऊं? अरे आइला बेटा। जी अंकल। बेटा ये सोनिया के रिश्ते की बात चल रही है, लड़का आया हुआ है, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। अंकल आप बड़े हैं, बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं वहां जाकर क्या करूं? बेटा इस घर में तुम्हारी हैसियत है, तुम इस घर का हिस्सा हो, इस घर की बहू हो, हर अहम फैसले में तुम्हारी राय बहुत अहमियत रखती है, कम से कम मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। जल्दी से नीचे आ जाओ, शाबाश। जी। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? बेटा खुश रहो, बैठो बैठो।
आशिर बेटा ये मेरी बहू है आयला। इनको तो बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। वो मैंने आपको बताया था ना कि आशिर पहले भी हमारे घर आ चुका है। सोनिया लाई थी ना मुझसे मिलवाने के लिए। दरअसल सोनिया ने आप सबका गायबाना तारुफ करा रखा। इनका जिक्र बहुत ज्यादा होता है। कहती हैं कि आपकी चाहिए थी बहू है। मेरी बहू है ही बहुत कुछ। बेटे खाना खाओ ना। आप खाना नहीं खा रहे। कहीं मेरी वजह से तो नहीं? अब मैं अजनबी तो नहीं? मेरा मतलब है कि मेरा इस घर से रिश्ता जुड़ने जा रहा है। मेरा तो इस घर में आना जाना लगा रहेगा। लेकिन अगर आप मेरी वजह से खाना नहीं खा रही तो इसका मतलब है कि अब आप खाना खाएंगी नहीं। आदत डाल कि मैं तो आता जाता रहूंगा। और वैसे भी कामरान मेरे अब बिजनेस पार्टनर है। खाए ना। हेलो सोनिया। हेलो आशिर, घर पहुंच गए? नहीं अभी रास्ते में हूँ। जानते हो मॉम को तुम बहुत पसंद आए हो। सिर्फ मामा को? अभी तक सिर्फ उन्होंने ही मुझे बताया, किसी और से पूछा नहीं मैंने। अपनी भाभी से पूछा? उससे पूछने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उसकी इतनी औकात ही नहीं है। हेलो हेलो आशिर, लगता है बैटरी डेड हो गई। देते अपनी फैमिली को कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। नहीं रह सकते मेरे बिना एक पल भी। मुझसे नाराज है डैड। नाराजगी की कब से फिक्र होने लगी था? ऐसी बात नहीं है डैड। I'm sorry, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जैसा आपने देखा है वैसा कुछ नहीं है। प्लीज यकीन करें मेरी बात का।
ना चाहते हुए भी यकीन किया था मैंने तुम्हारा, लेकिन तुमने मेरे यकीन को आज बहुत ठेस पहुंचाई। मैं इस गलतफहमी के शिकार हो गया था कि शायद तुम बदलने लगे, शायद जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हारी शादी आयला से की है मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन तुमने तो मुझे मेरी ही नजरों में शर्मिंदा कर दिया। सॉरी डैड, बहुत अरसे बाद मुझे आपकी मोहब्बत का एहसास हुआ था। और ये देखकर मैं भी चाहता था कि मैं बदल जाऊं, मैं चाहता हूं कि बदल जाऊं, मगर मुझे आपकी हेल्प चाहिए डैड, प्लीज एक मौका और देते मुझे। मेरे यकीन करो बेटा, आयला बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक बीवी का मर्तबा और इज्जत दो, उसे अपना लो, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। और ऐसी औरतों से बच जाओ जो सिर्फ तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। किसी में तुम्हारा फायदा है। मेरा इस घर से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, मेरा तो इस घर में आना जाना लगा रहेगा, लेकिन अगर आप मेरी वजह से खाना नहीं खा रही तो इसका मतलब है कि अब आप खाना खाएंगे। आदत डाल कि मैं तो आता जाता रहूंगा। मुझे किसी भी तरह इस रिश्ते को रोकना होगा। आशिर किसी भी तरह सोनिया के लिए ठीक नहीं है, वो सिर्फ मुझे अजियत और तकलीफ देने के लिए सोनिया को फंसा रहा है। हेलो, तुम चाहो तो मेरी सांसों को भी पहचान सकती हो। आशिर, आवाज तो बहुत दूर की बात है आयला। तुम इस वक्त, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? मेरे लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं आयला। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम नहीं तो सोनिया सही। अब सोनिया का साथ ही मुझे तुम्हारे पास तक ले जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि क्या कर रही थी? यकीनन मेरे बारे में ही सोच रही होगी, है ना? मैं जानता हूं आयला, अब तुम्हारी रातों की नींदें उड़ चुकी होंगी, क्योंकि आज रात के बाद मैं तुम्हारे आसपास तुम्हारे साये की तरह मंडलाऊंगा। तुम कुछ भी कर लो, कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक है ना? नहीं तो, घबरा तो नहीं रही, सब ठीक है। किसकी गलती?
जी? मैं पूछ रहा हूँ किसकी कॉल थी, सुनते ही घबरा गई। रॉन्ग नंबर था। मैं अभी आती हूँ। अरे आओ ना बेटा, आओ आओ। को बात करना चाह रही हो? नहीं अंकल, वो अगर कामरान के बारे में कोई बात करनी है तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पता है कल रात ही मेरी और कामरान की बड़ी तफसीली बातचीत हुई और मुझे पहली बार उसकी बातों से लगा कि वो सच में खुद को बदलना चाह रहा है। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम्हारे साथ उसकी शादी करके मैंने कोई गलती नहीं की बल्कि मेरा फैसला ठीक था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाहो मेरे लिए जूस लेकर आओ। जी आंटी। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने उस लड़के के बारे में क्या सोचा? किसके बारे में? हाशिर के बारे में और किसके बारे में? यकीन मानिए मुझे तो बहुत अच्छा लड़का लगा। अगर मेरा बस चले ना, छठ मंगनी पट ब्याह कर दो। कामरान की दफा तुम्हें अपने दिल के कोई भी अरमान पूरे नहीं कर सके, लेकिन बेटी की दफा मैं अपने सारे दिल के अरमान पूरे करूंगी। देखें, इतना तेज भागने की जरूरत नहीं है। कल ही तो मुलाकात हुई है, मुझे जरा सोचने दें, उस लड़के को परखने दें, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं कोई फैसला करूंगा। लेकिन अब जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है? आप तो उसे कामरान भी अच्छी तरह जानते हैं। कामरान उसका बिजनेस पार्टनर है। हाँ, वो किसी अरे घरे के साथ तो पार्टनरशिप नहीं करेगा ना। जो भी है, अच्छी तरह से सोच समझ के ही मैं कोई फैसला करूंगा, ऐसे भागते दौड़ते नहीं। देखें, ये दोनों दहशतगर्द थे, बहुत सारी वारदातों में मतलूब थे, डकैती, कत्ल, अगवा बराए तवान जैसे मुकदमात थे उन पर। पुलिस बहुत देर से उनकी तलाश में थी। इतला मिलने पर हमने रेड की, मगर उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी और फिर फायरिंग के तबादले में वो दोनों मारे गए। लेकिन सर, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ये जाली पुलिस मुकाबला था। मुझे चाहे कैसा भी हो, उसे कानून की अदालत से सजा मिले तो वही बेहतर है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मिस, लेकिन आप जैसे अच्छे पढ़े लिखे समझदार और खूबसूरत सहाफियों को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि पुलिस आप लोगों की हिफाजत के लिए कितनी कुर्बानियां देती है। अगर इस क्रॉस फायरिंग में हम उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें पुलिस के लोग ही मारे जाते हैं और फिर आप ही माइक पकड़कर हम पुलिस वालों से सवाल करते हैं कि जी दहशतगर्द फरार कैसे हो जाते हैं। कोई मरने वाले पुलिस जवान के बारे में कोई सवाल नहीं करता।
मुझे नाइला के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं उससे प्यार से भी तो बात कर सकता था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अरे खैरियत है, आज इतनी दबी हुई आवाज में बात कर रहे हो, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? हाँ नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस यूं समझ लो कि एक टास्क मिला था कारोबार के हवाले से और पर बात जम नहीं पाई अभी तक। पार्टी ने दो चार सुना दी बस और क्या। डीएसपी इब्रार के दोस्त को कुछ सुनाए, ये कैसे हो सकता है? खुलकर बताओ बात क्या है। ज्यादा परेशान कर रहा है तो खुलकर बताओ, अभी किस्सा खत्म कर दूंगा उसका। अरे नहीं नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? अच्छी तरह जानते हो कारोबार में ऊंच नीच होती रहती है, और फिर मेरे और तुम्हारे कारोबार में जमीन आसमान का फर्क है। तो रखो इसको साइड पर। डर गए? लो बाबा रख दिया मैं। इमरान ये जो फाइल आपने दी, I'm sorry, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं सुनो सुनो रुको, अब तुम बिल्कुल ठीक वक्त पे आई हो। ये इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं डीएसपी अबरार। बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। बल्कि यूं समझ लें कि बचपन से जवानी हमने एक साथ गुजारी और जवानी की कई बहारें हमने एक साथ देखी। तभी आपको देखा बिल्कुल ऐसी लगा जैसे जैसे खिजा में बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा तारुफ तो इमरान तुमने करवा दिया, लेकिन इस खूबसूरत खातून का तारुफ नहीं तुमने करवाया। हाँ सॉरी, ये है नाइला, यहाँ की सीनियर मैनेजर हैं और सारा काम यही देखती हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इमरान मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे आप जा क्यों रही हैं? बैठे ना, इमरान ने कॉफी मंगवाई है, एक साथ पीते हैं, कुछ गपशप भी हो जाएगी। जी मुझे कुछ काम है इमरान, मैं बाद में आ जाऊंगी। भाई साहब पिस्तौल साइड पे रख दिया था। आशिर मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी डैड से मुलाकात हो भी गई। और एक सेकंड, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी भाई के साथ पार्टनरशिप हुई है? क्या हुआ आप इतने खामोश क्यों हो? सोनिया मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे डैड को पसंद नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुमने शायद गौर से सुना नहीं,
उन्होंने क्या कहा था? वो इतनी आसानी से राजी नहीं होंगे, और ये भी मुमकिन है कि वो इनकार कर दें। और फिर तुम्हारी भाभी ने भी तो कोई खास पसंदीदगी जाहिर नहीं की। उसकी पसंद ना पसंद हमारे घर में बिल्कुल मैटर नहीं करती। और जहां तक डैड की बात है ना, तो मॉम डैड को मना लेगी हर हाल में, तुम फिक्र मत करो। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी डैड की बहुत चाहिए थी, वो अपनी पसंद से शादी करवा के घर लेके आए थे। हाँ, तो इस बात का हमारी शादी से क्या ताल्लुक? तुम बहुत बोली हो सोनू। अगर उसने तुम लोगों से बदला लेने के लिए तुम्हारे डैड के दिल में मेरे बारे में ऐसी वैसी बात डाली तो, और उन्होंने हमारी शादी से इनकार कर दिया, फिर? ऐसा नहीं हो सकता। कोई कुछ भी करता रहे, उस घर के दामाद सिर्फ तुम ही बनोगे आशिर। कमेन रामिश, प्लीज मुझे इस वक्त। नाइला, प्लीज इसके आगे और कुछ मत कहना। देखो मैं जानता हूं तुम मेरे से नाराज हो, लेकिन प्लीज अब ये नाराजगी खत्म कर दो। देखो मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस थोड़ा पोजेसिव हो गया था, और बीवी के मामले में पोजेसिव होना कोई गलत बात तो नहीं। प्लीज ठीक है, लेकिन आई होप नेक्स्ट टाइम तुम ऐसी कोई बात नहीं करोगी। प्रॉमिस, आइंदा नहीं करूंगा। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। कैसा सरप्राइज? उसका पता तो तुम्हें रात में ही चलेगा। आई एम सॉरी, मैं भी शायद कुछ ओवर रिएक्ट कर गई थी। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। अच्छा तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना। ओके। या अल्लाह, मैं क्या करूं, किससे बात करूं? अब्बा से? नहीं, अब्बा तो पहले से आशिर को जानते हैं। अंकल से बात करना ही बेहतर है। अंकल से ये बात करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम अंकल से बात करोगी और वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? आला, ये मत भूलो कि वो तुम्हारे अंकल ही नहीं, सुसर भी हैं। और एक सुसर अपनी बहू के मुंह से किसी गैर मर्द का नाम सुनकर चुप नहीं रहेगा। बदनामी ने तुम्हारे घर की दहलीज के अंदर कदम रख दिया है। तुम्हें इस मामले में खामोशी रहना होगा। नहीं, मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो मेरे साथ साथ सोनिया की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है, और मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं रोकूंगी उसे। अच्छा तो ये करके भी देख लो, ये बदनामी तुम्हारी इज्जत पर ऐसा बदनुमा दाग लगाएगी कि तुम सारी जिंदगी इस दाग को धोती रहोगी। जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ये बदनुमा दाग नहीं मिटेगा।
शुक्रिया तुझसे हूँ मैं जुदा मेहरबान शुक्रिया ओ, तो उसने तुम्हें अपना वकील बनाकर भेजा। कहो क्या कहना है, बल्कि मुझे तो कहना चाहिए कि क्या पैगाम लाई। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ समझाने आई हूँ कि तुम सोनिया के साथ अपनी शादी का फैसला बदल दो। क्यों क्यों तुम नहीं जानते तुम्हारे सोनिया के साथ शादी करने से उसकी शादीशुदा जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। मेरे सोनिया से शादी करने से उसकी शादीशुदा जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम सोनिया के साथ शादी करके आयला तक पहुंचना चाहते हो। वेरी क्लेवर, तो इसमें बुराई क्या? बुराई? तुम्हें इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती? खुदा के लिए आशिर, उसका पीछा छोड़ दो। आखिर क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तुम क्यों उसका बसा बसाया घर खराब करने पे तुले हो? तुम क्यों उसकी जिंदगी में जहर घोल रहे हो? जहर नहीं, मैं तो उसकी जिंदगी के अंदर मिठास घोलना चाहता हूँ। उसकी बेरंग जिंदगी के अंदर अपने मोहब्बत के रंग डालना चाहता हूँ। अच्छी तरह जानती हूँ कौन से रंग, कौन सी मिठास तुम उसकी जिंदगी में घोलना चाहते हो। अशर, तुम तो ऐसे नहीं थे, फिर क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं, दीवाना कर दिया उसकी जुदाई ने मुझे। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आयला को हासिल करना है, बस। क्या हो गया ऐसे? फोन क्यों काट दिया मेरा? बोलो शीजा। क्या हो गया कामरान, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा बिजी हूँ थोड़ा काम। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही। वैसे रात को तो हम मिलेंगे ना, वो एक्चुअली मेरे एक दोस्त के घर पार्टी है। नहीं शीजा, आज घर में कुछ काम है, नहीं आ सकूंगा। अच्छा मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। हैरान क्यों? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम सोच रही हो मैं जल्दी घर कैसे आ गया? सच कहूं तो जी, अच्छा एक कप कॉफी बना दूं। जी आयला,
तुम तैयार हो जाओ, आज रात का खाना हम बाहर खाएंगे और हम दोनों से मतलब सिर्फ हम दोनों।